नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आधी रात से 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जो अब तक जारी है। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में इन राज्यों में पीएफआई से जुड़े 106 से भी ज्यादा सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में संगठन प्रमुख ओमा सालम भी शामिल है। एनआई की ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान में जारी है। इसमें ईडी और राज्य पुलिस भी एनआईए के साथ है। जानकारी के मुताबिक इस रेड को एनआईए के करीब 200 अधिकारी इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की तरफ से जारी स्वेट के विरोध में पीएफआई के कई कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। केरल के मलप्पुरम, तमिलनाडु के चेन्नई, कर्नाटका के मंगलुरु समेत कई जगहों पर संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि जुलाई में पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर आतंकी साजिश का खुलासा किया था। खुलासे के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस केस में पीएफआई के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आने के बाद सितंबर में एनआईए ने बिहार में छापेमारी की थी।